नमस्कार, सलाम, आदाब। कलम चलेगी तो तावीज़ बनेगी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए विश्व के सभी देश प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कड़ा रुख अपनाते एक बार फिर हमला बोला है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड को चीन ने खरीद लिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोरोना को नजरअंदाज करना पड़ा। वही WHO के एक प्रवक्ता ने कहा है कि संस्था ऐसे हमलों को खारिज करती है और विभिन्न देशों से अपील करता है कि वे कोरोना संक्रमण से होने वाली महामारी को रोकने के लिए कामों पर ध्यान दें। लंदन में सांसदों के साथ एक निजी मीटिंग में माइक पोम्पियो ने WHO पर बड़ा आरोप लगाया है। पोम्पियो ने कहा कि WHO ने कोरोना संक्रमण को नजरअंदाज करने की वजह से ब्रिटेन में इतनी ज्यादा मौत का आंकड़ा में बाढ़ सी आ गई है। माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया है कि एक बड़ी साजिश के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसुस ने चुनाव जीतने में मदद पाने के लिए चीन के साथ कई डील की थी, जिनमें से कोरोना संक्रमण मुख्य था। पोम्पियो ने कहा कि टेड्रोस और चीन की डील की वजह से विश्व में लाखों लोगों की मौत हुई। माइक पोम्पियो ने कहा कि WHO अब विज्ञान पर आधारित संस्था न होकर WHO एक राजनीतिक संस्था बन गई है और कोरोना महामारी का सामना करने में एक रणनीति के अनुसार नाकाम रही है।